देश के प्रसिद्ध निर्भया मामले में न्याय मिलने के बाद आज चार बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा दे दी गई। न्याय के बाद इसका सभी स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है और इसे न्याय की जीत का करार दिया गया। इस मामले में बलात्कार के चारों आरोपियों को फांसी की सजा मिलने के बाद आज अजमेर में आतिशबाजी कर मिठाइयां वितरित की गई और महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग गांधी भवन पर एकत्रित हुए और उसका जश्न मनाया, जहां पर पदाधिकारियों ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने में समय लगता है, लेकिन जीत हमेशा न्याय की होती है और देश में हर मामले की सुनवाई के लिए मौका मिलता है और इसीलिए इस मामले में समय लगा, न्याय देर से ही मिला, लेकिन इस मामले में निर्भया की जीत हुई है। इन जातियों का और विभिन्न संप्रदायों का, विभिन्न विचारधारा का देश है और बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पर 131 लगभग करोड़ की जनसंख्या रहती है, पर इसमें अपराध भी होते हैं और अच्छे कार्य भी होते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लिए न्याय प्रणाली जो हमारी देश की है, जब संविधान बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जो भारत रत्न है, उन्होंने 2 साल 18 माह 11 दिन में यह संविधान बनाया। सबसे बड़ा संविधान है, पर हर चीज़ लिखित है इसमें। छोटा बड़ा कोई भी न्यायालय में जाके अपने हक के लिए लड़ सकता। इसका दुरुपयोग भी होता है, दो पक्ष हैं। तो जो ये निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, सारे देश के लोग जागृत हो गए कि इसके साथ जो जाति हुई है, और तुरंत इनको जो है अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। पर हमारी न्याय प्रणाली ऐसी है जो उनमें सिस्टम से पूरा जो है मानव अधिकार भी होते हैं, उनको सुनने का अधिकार दिया जाता है। लोअर कोर्ट होती है, ट्रायल के बाद पुलिस के पास एक्सरसाइज होती है, फिर न्यायालय में जाते हैं, फिर सेशन कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और फिर राष्ट्रपति होता है मर्सी अपील के लिए। तो इस लंबी प्रक्रिया के बाद आज निर्भया के जो चारों आरोपी हैं उनको सजा दी गई, सुबह सुबह फांसी की सजा दी गई। परंतु आप देखो कि उनके पैरवी करने वालों ने एंड तक आज रात्रि में 12:30 बजे भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, फिर 12:30 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, और 2:15 बजे रात्रि में जजों ने बैठ करके 2:15 बजे सुनवाई करी और 3:15 बजे इसका अंतिम निर्णय दे दिया कि हमने जो निर्णय दिया है। देखो कितना समय बर्बाद करते हैं लोग इसका। जब न्याय हो गया, निर्णय हो गया, उसके बाद इनको सुनवाई का इतना ज़्यादा लंबा अवसर नहीं देना चाहिए, ये हमारी अपील है। फिर भी हमें आज खुशी है कि हमारे भारत का कानून जो है बिल्कुल विश्व में सम्माननीय है, सबको सम्मान देता है और अधिकार देता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, सबके लिए। पर महिलाओं के लिए जो आज ये जीत हुई है, तो हम महिलाओं का आज यहाँ सम्मान भी कर रहे हैं और पटाखे जलाकर सागर मीणा के नेतृत्व में खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम सबको खुशी है कि भारत के संविधान की जो आस्था है वो बरकरार है और सबको न्याय मिला। धन्यवाद हम उनका करते हैं कि जिन्होंने भी मेहनत करी और उसकी माता को भी संतोष मिला, निर्भया को भी, उनकी आत्मा को भी शांति मिली कि मुझे आज न्याय मिला है। हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे उसकी आत्मा को शांति मिले। रमेश लालवानी, महासचिव जन सेवा समिति अजमेर।